What's up guys, welcome back to the video. So finally at the last moment मैंने जो है अपना Eternity of Pain टेरेक्स वाली फाइट जैसे तैसे करके ख़त्म कर ली. आई मीन उसका एक पोर्शन वैसे ख़त्म किया, बट एक पोर्शन थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग भी था कि मतलब एटलीस्ट मैंने उसको फिनिश ऑफ कर लिया. एंड ये हम लोग देखेंगे कि मैंने कैसे किया. सो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को टेरेक्स के केस में पसंद नहीं आई, एंड ऑफकोर्स मतलब ये वीडियो अभी सिखाने के लिए नहीं, ऑफकोर्स सभी लोगों ने जो है कम्प्लीट कर लिया होगा, इवन पैराकॉन वाले ऑब्जेक्टिव्स भी कम्प्लीट कर लिए होंगे. तो ये वीडियो मेनली जो मतलब ऐसा क्या है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था टेरेक्स वाली फाइट के साथ, तो जस्ट उसका एक शोकेस होगा कि भाई मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई थी. ओके सो जिन लोगों को भी अगेन नहीं पता तो फाइट में चल क्या रहा है. सो बेसिकली एवरी 15 हिट्स में हमको एक स्पेशल अटैक लॉन्च करना है, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा डिजनरेशन डैमेज अप्लाई होगा. ओके तो वो एक नोड है. सेकंड नोड है कि एक ट्रायंगल वाला ये हाइपीरियन के हेल्थ के नीचे देख सकते हो, ठीक है. तो वो क्या है, तो बेसिकली जब कभी भी टेरेक्स अपनी 1 बार ऑफ पावर के नीचे जाएगा ना, तो वो नोड ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड जब तक कि वो टाइमर ख़त्म हो हमको टेरेक्स को वापस 1 बार ऑफ पावर के ऊपर भेजना है. काफ़ी सिंपल है, बट जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं. एंड देन फिर अगर नहीं पहुंचा पाते अगर टेरेक्स को 1 बार ऑफ पावर के ऊपर, तो बेसिकली होगा क्या कि आपको बहुत बड़ा डैमेज लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन टेरेक्स की हेल्थ कितनी रिमेनिंग है. अगर टेरेक्स की फुल हेल्थ है तो भाई ऑलमोस्ट 30,000 जितना जो है आपको डैमेज लेना पड़ेगा, एंड अगर कम हेल्थ है तो थोड़ा कम, बट एट दी एंड वो डेटोनेशन होता है, आपकी हेल्थ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चली जाती है. सेकेंड चीज़ मतलब थर्ड चीज़ कि अगर टेरेक्स के ऊपर जितने ज़्यादा डीबफ्स होंगे ना, तो उतना ज़्यादा डैमेज हम लोग कम लेंगे. मतलब कि क्या है कि टेरेक्स के ना वो रॉक फील्ड है, मतलब उसके आसपास देख सकते हो कि पत्थर उड़ रहा है, ठीक है. तो उससे ना वो डैमेज करता है, सेम जैसे कि ओमेगा रेड के करीब जाते हैं तो कैसा डैमेज देता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम डैमेज ये जो है टेरेक्स हमको देगा. बट अगर टेरेक्स के ऊपर 4 डीबफ्स है ना, कोई भी 4 डीबफ्स भले वो इंसिडेंट हो, डैमेजिंग हो, नॉन डैमेजिंग हो, कोई भी अगर 4 डीबफ्स अवेलेबल है, तो हम लोग जो है उससे 60% लेस डैमेज लेंगे, बट उससे कम डैमेज नहीं ले सकते. मैक्सिमम जो है 60% ही होगा, उससे कम अगर लेने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गेम में मतलब नोड जी ऐसे है. एंड देन फिर एक और नोड है पावरफुल फ्रॉम अफार, एंड वो क्या होता है कि जैसे ही मेरे और टेरेक्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है ना, तो उसको एक पावर गेन बफ मिलेगा. जैसे देखना कि बार बार जैसे मैं उसको नॉकडाउन कर रहा हूँ या तो फिर उसको जो है वापस पीछे भेज रहा हो, तो वहाँ पर देखोगे कि भाई उसको ना पावर गेन बफ मिला है. एंड उसका फ़ायदा उठा भी सकते हो, एंड उसका फ़ायदा मतलब नुकसान भी कर सकता है कि अगर वो SP अटैक लॉन्च ना करे तो तुरंत ही वो SP 3 के ऊपर चला जाएगा. एंड देन फिर सेम दिक्कत उसका मदद यूज़फुल भी कर सकते हो कि जैसे ही दूर चले जाओ तो ऑटोमेटिकली उसका पावर गेन स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फिर वो जो SP 1 के थ्रेशोल्ड से पुश करना था वो थोड़ा बहुत स्लाइटली ईजी हो जाता है. उसके बाद आती है एक्चुअल फाइट कि भाई कौन से चैंपियंस के साथ फ़ाइट करनी है. तो पहले तो सबसे मेरे को हैशटैग ही पता नहीं चले कि यार मतलब क्या बेकार हैशटैग है. लिटरली एक क्या कहते हैं मीडियम साइज़ के म्यूटेंट चैंपियन, चलो उसको तो समझ भी ले कि थोड़ा बहुत पॉसिबल है, बट न्यू एवेंजर्स लिटरली है ही नहीं जो कोई फाइट कर सके. हाइपीरियन कोई एग्जैक्ट काउंटर नहीं है उसका. ऑलराइट सेकेंड चीज़ कि मेरे पास ना सनस्पॉट नहीं है, अमल आई मीन क्या कहते हैं रैंक्ड अप नहीं है. सेकेंड चीज़ की और एक और जो है वीकन नहीं है. वीकन भी लिटरली नया वाला ही चैंपियन था. एंड ये अभी मैं क्या हुआ कि जस्ट मैं एंटर किया एंड मेरी हेल्थ चली गई. एंड नेक्स्ट अब जब तक कि मैं दूसरी फाइट्स फिनिश करूँ तब तक ऑलमोस्ट सारी की सारी फाइट्स एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही जाती है. मेरे अगर जाके पीछे ध्यान से नंबर ऑफ रिवाइव्स देखोगे ना, तो लेवल 1 के रिवाइव्स मेरे पास 15 थे प्लस 8 ओवरफ्लो में पड़े थे एक्स्ट्रा. अब जाके देखोगे ना तो लिटरली मेरे पास 6 या 7 ही बचे एक मेरे पास, एंड देन फिर 8 ओवरफ्लो में एक्स्ट्रा है. तो लिटरली बहुत ही बेकार, मतलब आप मानोगे नहीं कि मतलब ये मैं खुद खेल रहा हूँ. मेरे को खुद के ऊपर जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मतलब मैं इतना बेकार खेलता हूँ. तो बेसिकली इसमें मेरे को पता नहीं पर्सनली प्रॉब्लम आ रही थी कि टेरेक्स ना बीच बीच में चलना स्टार्ट कर देगा. चलना इन द सेंस कि जैसे आप उसको ना, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि टेरेक्स की ना AI बहुत ही अग्रेसिव है जब तक कि उसका वो रॉकफील्ड ऑरा एक्टिव है. बट अगेन प्रॉब्लम इसमें आती है कि वो रॉकफील्ड ऑरा एक्टिव होने के बाद भी उतना एग्रेसिव नहीं है कि जैसे ही मैं उसको हैवी अटैक से नॉकडाउन करेगा ना, तो धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, तुरंत ही वो मेरे को इंटरसेप्ट करता है कंपेयर टू जहाँ पर मेरे को उसको इंटरसेप्ट करना चाहिए.
तो वो मेरे को भाई पूरी की पूरी फाइट में थ्रो ऑफ कर दिया। एंड एक पॉइंट पे जस्ट आ चुका था कि भाई अब तो ये मेरे को फाइट से निकलना ही है बाहर, क्योंकि देखो न्यू एवेंजर्स में ना दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इवन मेरे पास सनस्पॉट था कि अगर सनस्पॉट के लेके जाओ एंड दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स एक ही बार में कंप्लीट कर लो, बट सनस्पॉट रैंकडअप भी तो होना चाहिए। एंड सनस्पॉट जो है थोड़ा बहुत उसकी अवेकनिंग और सिग्नेचर एबिलिटी भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आपको इंसिडेंट अप्लाई करना आना चाहिए एंड देन फिर उसमें जो है अगेन आपको बूस्ट भी लगाना पड़ता है, मेनली थोड़ा बहुत बूस्ट, क्या कहते हैं अपना म्यूटेंट बूस्ट, जिसकी वजह से आप सामने को सामने वाले अपोनेंट को स्पेशल अटैक से नॉकडाउन करते हो, तो जितना डैमेज किया उतनी पावर मीटर जो है आपको वापस मिलती है। एंड वो मेरे पास था नहीं, आई मीन क्या कहते हैं सनस्पॉट था बट अगेन 6-star rank 1 था, मेरे को स्पेसिफिकली एक फाइट के लिए रैंक अप नहीं करना था। सेकंड चीज़ अगेन मेरे पास वीकन था, लिटरली 5-star rank 1 level 1 पर था, तो मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं सोच रहा था कि भाई जस्ट एक फ़ाइट के लिए इटन यूट्यूब पेन की एक फ़ाइट के लिए मैं एक 565 वाले चैम्पियन को पूरा का पूरा 565 लेके जाऊँ, इवन उसको अवेकन करूँ, तो डेफिनेटली वो तो ऑप्शन में था नहीं। उसके बाद मेरे पास बचे हुए थे जस्ट ये दो ऑप्शंस, जो कि था कि भाई म्यूटेंट चैंपियन में मीडियम साइज़ का कोई यूज़ करूँ जिस जो मैं हार्डली फेमिलियर हूँ, एंड दूसरा एक हाइपीरियन था न्यू एवेंजर्स में। तो पहले तो मेरे को टैग सिस्टम ही पसंद नहीं आई, एंड देन फिर जैसे तैसे करके एटलीस्ट मैंने फ़ाइट ख़त्म की थी। एंड एक्चुअली ये जो नेमोर वाली फ़ाइट है ये हाइपीरियन से पहले हुई थी, एंड देन मैंने फिर जो है सबसे पहले नेमोर वाली फ़ाइट कंप्लीट की थी एंड देन फिर मैं हाइपीरियन के लिए गया था। तो सबसे पहले लेकिन ये वाली फ़ाइट हुई थी, इसमें इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बट सेम मिस्टेक हर बार जो है मैं मेरे को करते हुए देखोगे। एंड अगेन इसकी ना एक थोड़ी बहुत जो है प्ले स्टाइल मैंने नोटिस की कि आप कंटिन्यूसली सेम टू सेम डैश बैक वाले अटैक यूज़ करोगे ना, मतलब कि उसको हिट करने जाओगे 4 light attacks डैश बैक एंड अगेन हिट करने जाओगे 4 light attacks डैश बैक एंड अगेन इंटरसेप्ट करने जाओगे, तो वो है ना एकदम स्प्लिट सेकंड के लिए रुक जाता है। एंड जैसे ही वो रुकेगा ना तो वो क्या करेगा कि अपना अटैक स्टार्ट कर देगा एंड उसकी वजह से क्या होगा कि वो तुमको इंटरसेप्ट करेगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड ये तभी पॉसिबल है जब AI ना सामने से लर्न कर रही है, मतलब आपसे सीख रही है, जैसे ही आप फाइटिंग स्टाइल चेंज कर रहे हो ना तो वैसे वैसे ना वो AI सीख रही है। एंड ऑफ कोर्स मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने आज तक जितने भी टेरेक्स से फाइट किया ना ये डेफिनेटली उससे बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगेन मतलब मैं ऐसा हो सकता है कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ या तो फिर AI को ब्लेम कर रहा हूँ या तो फिर मेरे को ही खेलना नहीं आता, बट ऐसा हो सकता है। बट स्टिल देयर इज़ अ चांस कि भाई मतलब फाइट मेरे डेफिनेटली क्या कहते हैं मेरे फेवर में नहीं थी। एंड मैंने स्टिल देखा था कि लोग जो है इवन टाइग्रा के साथ जो है सोलो कर रहे हैं 26 seconds के अंदर, टोड लेके जा रहे हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे पास वो रैंडम चैंपियंस भी नहीं है, इवन टोड एंड वगैरह वगैरह जो भी सारे चैंपियंस यूज़ कर रहे हैं। एंड यही ना मेरे को क्या कहते हैं कि भाई फ्री टू प्ले प्लेयर्स की प्रॉब्लम यही लगती है कि भाई उनके पास चैंपियन होते नहीं, अगर होते भी है ना तो तुरंत ही वो रैंक अप नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। एंड होपफुली शायद जो है किसी को ये वाला वीडियो देख के थोड़ी बहुत मदद मिली हो, या तो फिर ऐसा हुआ कि भाई चलो मैं भी जो है मार खा के जो है आगे इतना तब फिनिश कर पाया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यूट्यूबर्स जो है वीडियो डालने वाले एग्जैक्टली क्लीन फाइट जाती है। अब मेरे को सबसे बड़ा दिक्कत ये होगी कि जिस टाइम पे इटर्निटी ऑफ पेन चारों के चार बॉसेस हो गए तो उस टाइम पर भी शायद मेरे को ही सेम अमाउंट ऑफ रिवाइव जो यूज़ करने पड़े, होपफुली नॉट। तब तक तो ये शायद मैं अपना स्टैश बढ़ा के रखूँगा, ऑलमोस्ट 10-15 तो ये बचा के ही रखूँगा रिवाइव। एंड इसी की वजह मैं मेरे को पता था कि भाई मैं अगर रिवाइव यूज़ करूँगा ना तो डेफिनेटली मैं हेल्थ पोशंस तो यूज़ करने ही नहीं वाला। लकीली यहाँ पर टेरेक्स की हेल्थ जो है वापस गेन नहीं हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर कहीं से समहाउ उसको रीजनरेशन मिल जाता तो और भी दिक्कत हो जाती, बट लकीली वो नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली जो लास्ट वाली फ़ाइट होगी स्कॉर्पियन वाली, वो अच्छी है या नहीं है, या तो फिर उसके लिए हमको कोई स्पेसिफिक रैंक अप करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो होपफुली वो फ़ाइट काफ़ी इजीली हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मतलब सर लकीली ये वाली फ़ाइट नेमोर वाली फ़ाइट बहुत ही अच्छी जाती है कंपेयर टू हाइपीरियन वाली। नेमोर वाली फ़ाइट में भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, थोड़ा बहुत इन द सेंस कि 2 घंटे से मैं कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था तब जाके एक अच्छा सा सोलो हो पाया, सोलो इन द सेंस कि एटलीस्ट मैं उसको 30% की फर्स्ट वाली हेल्थ पे पुश कर पाया। उसके बाद वाला पोर्शन भी बहुत ही अच्छा था। ये नेक्स्ट वाली फाइट जो अभी पोर्शन देख ही रहे हो वो भी काफ़ी स्मूथली जा रहा है। मैं अपना SP3 लॉन्च कर पाया, मैं उसको एक अग्रेसिव टोन में रख रहा हूँ एंड एक और SP3 लॉन्च कर पाया।
एंड या मतलब ऐसे करते करते हम लोगों ने ये वाली फाइट फिनिश की, जिस 3% हेल्थ बचे थे मेरे को उसको फिनिश करना था। एंड अगेन एक ही चैंपियन लेके जा सकते थे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से सीनर्जी लेके जाओ एंड मिस्टेक चैंपियन ले जाके फाइट कंप्लीट करो। अगेन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि आपको ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है, ना कि टेरेक्स वाली फ़ाइट को कंप्लीट करना है। तो अगेन वो मेरे हाथ में इतना कंट्रोल नहीं था, बट एट दी एंड येस मेरा आइडेंटिटी ऑफ पेन जो है थर्ड वाला भी कंप्लीट हो चुका है। एंड या आई गेस इतना ज़्यादा है वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।